नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अंग्रेजों के ज़माने के एक इंटरेस्टिंग कानून इंडियन टोल टैक्स एक्ट के बारे में जाना था, जो कि आज भी लागू है। आज के इस वीडियो में हम उसी कानून से संबंधित 5 कॉमन प्रश्नों का उत्तर जानेंगे, जो कि प्रत्येक रोड यूजर जानना चाहता है और उन्हें जानना भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉमन प्रश्न ये है कि टोल कौन वसूल कर सकता है। देखिए, यहाँ पर दो कैटेगरी हैं। पहला, यदि रोड पब्लिक फंड से बना है तो गवर्नमेंट बिडिंग के माध्यम से थर्ड पार्टी, प्राइवेट पार्टी को एंगेज करती है, जो कि टोल टैक्स वसूल करने का काम करते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी में, यदि रोड बनाने के काम में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का उपयोग किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर के साथ टोल टैक्स वसूल करने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है और उस एग्रीमेंट के माध्यम से वो इन्वेस्टर टोल वसूल करता है। दूसरा प्रश्न लोगों के मन में ये आता है कि अलग अलग टोल पे अलग अलग रेट्स हैं, लेकिन इसका निर्धारण किस माध्यम से किया जाता है? तो आपको बता दें कि टोल टैक्स की राशि को निर्धारित करने के लिए भी एक कानून है, जो नेशनल हाईवे फी रूल के नाम से जाना जाता है। 2008 से पहले के जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं और जिनका टेंडर टोल टैक्स वसूल करने के लिए दिया गया है, उसके लिए NHP 1997 के आधार पर राशि तय की गई है, और 2008 के बाद वाले प्रोजेक्ट्स के लिए NHP रूल 2008 के आधार पर टोल टैक्स की राशि निर्धारित की जाती है और उसी के हिसाब से टोल टैक्स वसूल किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न लोगों के मन में यह आता है कि आखिर किसी टोल प्लाजा को कितने समय के लिए ऑपरेट किया जा सकता है। यहाँ पर भी आप इस प्रकार से समझें कि यदि उस रोड को बनाने के लिए पब्लिक फंड का यूज किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में जब तक उस रोड को बनाने की पूरी लागत वसूल नहीं की जाती, तब तक पूरी राशि वसूल की जाती है, और जब वो पूरी लागत की राशि वसूल कर ली जाती है, तो उसके बाद 40%, यानी कुल राशि का 40% हिस्सा टोल के रूप में वसूल किया जाता है, जो कि इस रोड के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर उस रोड को बनाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का उपयोग किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में प्राइवेट इन्वेस्टर के साथ गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में टोल टैक्स वसूल करने की अवधि लिखी रहती है, तो वो प्राइवेट इन्वेस्टर उस अवधि तक टोल वसूल करता है, और ऐसी कंडीशन में भी वो उस अवधि तक टोल वसूल करता रहेगा यदि उसकी लागत उस अवधि से पहले ही प्राप्त हो चुकी हो। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। क्या कोई रोगी या फिर कोई डिसेबल्ड पर्सन जो कि एक प्राइवेट व्हीकल में यात्रा कर रहा है, उसे टोल से माफ़ी दी जा सकती है, या फिर उसके लिए इस एक्ट में कोई प्रावधान किया गया है? तो इसका जवाब सुन लीजिए। इस एक्ट के तहत प्राइवेट व्हीकल में यात्रा कर रहा कोई भी पेशेंट या फिर डिसेबल्ड पर्सन को टोल से कोई राहत नहीं दी गई है। यानी अगर आपको एम्बुलेंस नहीं मिली, तो पहले टोल फिर हॉस्पिटल, यानी प्राण जाए पर टोल ना जाए। जहाँ तक डिसेबल्ड पर्सन की बात है, उसके लिए एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, जिसके तहत यदि वो डिसेबल्ड पर्सन किसी एक स्पेशल व्हीकल में यात्रा करता है जो कि स्पेशली उस डिसेबल्ड पर्सन के लिए डिज़ाइन की गई हो, तो उस व्हीकल को टोल से छूट दी जाएगी। क्या बकवास और फालतू का एक्सेप्शन दिया हुआ है! इससे अच्छा तो यह एक्सेप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं थी। पांचवा अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, क्या आपको टोल टैक्स से छूट या राहत मिल सकती है? तो उत्तर सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं। और आप सोचेंगे कि बहुत सारे लोग टोल पे कोई कार्ड दिखाते हैं और बिना टोल टैक्स दिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जनाब, आगे सुनिए। नेशनल हाईवे फी रूल 2008 के रूल नंबर 11 के अनुसार कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोगों को टोल टैक्स से माफ़ी दी गई है, और वे कौन लोग हैं और उन्हें माफ़ी क्यों दी गई है, इस बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ पर आपको ये जरूर बताएंगे कि आपके लिए टोल टैक्स से माफ़ी है या नहीं है। आप चाहे केंद्रीय ऑफिसर हों या राज्य ऑफिसर हों, आपको टोल टैक्स से कोई छूट नहीं है। साथ ही साथ, चाहे आप एक्स सर्विसमैन हो, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉई हो, चाहे आप न्यूज़पेपर या मीडिया जर्नलिस्ट हो, RTI एक्टिविस्ट हो, यहाँ तक कि डॉक्टर या फिर वकील हो, उन्हें टोल टैक्स से कोई भी राहत नहीं दी गई है। केवल एक स्पेशल कंडीशन में ही आपको टोल टैक्स से छूट दी जाती है, यदि आप उस टोल टैक्स की सीमा के 20 किलोमीटर के अंदर के एरिया में निवास करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको केवल टोल टैक्स से कुछ हद तक राहत मिलेगी, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी सारे पेपर वर्क से आपको गुजरना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर आपको टोल टैक्स से कोई विशेष राहत नहीं है, और आप ये मान के चलिए आप टोल टैक्स से गुजरेंगे तो आपको टोल टैक्स देना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।